गुड मॉर्निंग दोस्तों, शुरू करेंगे आज के 18 अगस्त करंट अफेयर वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें ताकि हर नए जो है वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर एक के साथ। कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने हाल ही में किस दिव्यांगत जो बॉलीवुड अभिनेता है उसको सम्मानित किया है? तो किस बॉलीवुड अभिनेता को जो दिव्यांगत हो गए उनको सम्मानित किया है कैलिफोर्निया की स्टेट असेंबली ने? तो किसे किसे किया है, वो किया है सुशांत सिंह राजपूत को। किन्हें? सुशांत सिंह राजपूत को। कैलिफोर्निया की जो स्टेट असेंबली उसने दिव्यांगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को सम्मानित किया है। उन्हें यह सम्मान भारतीय सिनेमा और संस्कृति में योगदान के लिए दिया गया है। सुशांत का जो है शो है 14 जून को मुंबई के उपनगर बांद्रा स्थित घर में फंदे से लटका हुआ मिला था। यह कथित खुदकुशी को सीबीआई जांच कर रही है। भारतीय समुदाय के नेता अजय भटोरिया ने कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली की ओर से सम्मान के तौर पर जो है प्रमाण पत्र प्रदान किया। आगे देखेंगे फटाफट में रिवीजन क्वेश्चन एक के साथ शुरू करेंगे। रिवीजन के सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम का हवाला देते हुए बेटियों के जो समान अधिक उत्तराधिकार है उसके अधिकारों का फैसला सुनाया? तो वो दिया हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के तहत। दो नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबाग ज्वालामुखी में जो है पुनः विस्फोट हुआ, वो कहाँ हुआ? इंडोनेशिया में। अगला है, किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने इतना आसान है जो नाम एक विक्रेता अभियान है वो शुरू किया? किसने किया? वो किया अमेज़न ने। अगला है, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में किस भारतीय संगठन ने दुनिया की शीर्ष 100 कंपनियों की सूची उसमें प्रवेश किया? तो वो किया रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो कि 96वें स्थान पे है। पांच नंबर क्वेश्चन, उस भारतीय अंपायर का नाम थे जिसे हाल ही अंपायरों के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल किया गया? तो वो किया गया के एन अनाथपदामन उनको। आगे देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय क्रिकेटर को ई बाइक गो को जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो वो किस क्रिकेटर को किया गया? वो किया गया हरभजन सिंह को। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। बयान के मुताबिक हरभजन सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाने के साथ कंपनी का लक्ष्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच बनाना है, उन्हें ई वाहन अपनाने के लिए प्रेरित करना भी है। कंपनी अभी मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, अमृतसर, जयपुर और हैदराबाद में अपना जो है परिचालन करती है। बयान में कहा गया कि हरभजन से के जुड़ने से उसे पुणे और चेन्नई जैसे नए बाजारों में बढ़त मनाने में मदद मिलेगी। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रेल ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कितने राज्यों में रोजगार सृजन किया? तो कितने राज्यों में किया? वो किया 6 राज्यों के अंदर। कौन से वो है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा में। इन राज्यों में प्रवासी भारतीयों को रोजगार देने के लिए रेलवे की बुनियादी ढांचे से जुड़ी लगभग 165 योजनाएं चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना महामारी के चलते घरों को लौटे जो प्रवासी मजदूरों हैं उनको आजीविका उपलब्ध कराने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। यह योजना 6 राज्यों के 116 जिले उसमें चलाई जा रहे हैं। आगे 4 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में धर्मार्थ शिक्षण संस्थान और अस्पतालों को जो संपत्ति कर पर कितने प्रतिशत छूट देने की घोषणा किया? तो वह 100% छूट की, यानी कोई उस पर कर नहीं होगा, 100% कर की छूट देने की घोषणा की है हरियाणा मुख्यमंत्री ने। मुख्यमंत्री ने सभी धार्मिक स्थलों के लिए अप्रैल जून के बिजली बिलों पर सरचार्ज समेत जो अन्य छूट देने की भी घोषणा की है। साथ ही नगर निकायों के तहत आने वाले डेरा गाँव में स्थित रिहायशी संपत्तियों के लिए संपत्ति कर में एक बार की 50% छूट देने का भी ऐलान किया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में उत्कर्ष आंगनबाड़ी केंद्रों के तौर पर विकसित किए गए 151 जो आंगनबाड़ी केंद्र उनके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस ऐप का उद्घाटन किया? तो वो क्या सखी ऐप का। किस ऐप का उद्घाटन किया? सखी ऐप का। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों को उत्कृष्ट आंगनबाड़ी केंद्र बनाने के लिए प्रयास सराहनीय है। आगामी 1 वर्ष में 500 और आंगनबाड़ी केंद्रों को उत्कृष्ट आंगनबाड़ी केंद्रों में विकसित किया जाएगा। सखी एप्लीकेशन के जरिए वह सभी उत्कृष्ट आंगनबाड़ी केंद्रों को आवश्यक निर्देश देंगे। इसके अलावा आंगनबाड़ी में रहने वाले बच्चों के ऑनलाइन शिक्षण का कार्य भी इसी एप्लीकेशन के जरिए होगा। आगे देखेंगे आज का सवाल,
क्या है आज का सवाल और जिसका आपको राइट आंसर देना है नीचे कमेंट के द्वारा, और सही राइट आंसर देने वाले सभी विजेताओं के नाम अगले वीडियो के अंदर शेयर किए जाएंगे और आप सभी के साथ साझा किए जाएंगे। क्वेश्चन क्या है आज का वो देख लेंगे कि किस राज्य सरकार ने आईटी कंपनी स्थापित करने के लिए अमेरिका स्थित बोस्टन समूह है टीबीजी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किस सरकार ने किया है, किस राज्य सरकार ने किया है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या कर्नाटक? आपके ऑप्शन क्या है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या कर्नाटक? सही आंसर दें नीचे कमेंट के द्वारा और सही आंसर देने वाले सभी विजेता के जो नाम है अगले वीडियो के अंदर शेयर किए जाएंगे। आगे देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सीबी ने म्यूचुअल फंड नियमों के उल्लंघन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के कितने वित्तीय संस्थानों पर 10-10 लाख रुपए का जो है जुर्माना लगाया? तो कितने पर लगाया? 3 संस्थानों पर। कौन से हैं? वो है एसबीआई जीवन बीमा निगम यानी LIC और बैंक ऑफ बड़ौदा इसके अंदर जो शामिल है। सीबी ने अपनी जांच में पाया कि इन तीनों ने क्रमशः SBI म्यूचुअल फंड, LIC म्यूचुअल फंड, बड़ौदा म्यूचुअल फंड के प्रायोजक हैं। उनके पास नए म्यूचुअल फंड के में 10-10% से अधिक की साझेदारी है और हिस्सेदारी है। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। यूपी सरकार ने किस कैबिनेट मंत्री और पूर्व क्रिकेटर का कोरोना के कारण निधन हो गया है? तो किस का वो है? चेतन चौहान का। किसका? चेतन चौहान जो पूर्व क्रिकेटर है उनका कोरोना के कारण निधन हो गया है। ये भारत के ओपनर बल्लेबाज थे। चेतन चौहान ने टीम इंडिया के लिए 1969 से लेकर 78 के बीच जो 40 टेस्ट खेले थे, उनमें से उन्होंने 31.54 की औसत से 2084 रन बने थे। उनका बेस्ट स्कोर था 97 रन। चेतन चौहान का जन्म कब हुआ था? 1947 को, 21 जुलाई को। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट से साल 1991 में अमरोहा में चुनाव लड़ा और वे वहाँ से सांसद भी चुने गए थे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन देखेंगे और सही जवाब देने वाले विजेताओं के नाम भी देखेंगे। क्वेश्चन क्या था कि भारत कहाँ पर होने वाले कौकास 2020 अभ्यास उसमें हिस्सा ले रहा है? तो कहाँ पे हो रहा है ये? वो हो रहा है रूस के अंदर, जहाँ पर भारत हिस्सा ले रहा है इस अभ्यास के अंदर। सही जवाब दिए उनके नाम है जयंत शर्मा, सोनू गुजर, ओम वर्मा, सुधांशु कुमार, अंगित बघेल, संजय कुरी, तनु बिश, दिनेश तिवारी, सपना कुमारी, अभिषेक राज, प्रणीत सातव, प्रकाश भावरी, अजय कुमार, आशीष मेहरा, कुशाल पांडे, अक्षय कुमार, प्रवेश जी, नितेश कुमार, सुनील कुमार और विष्णु जी। आगे देखेंगे आज का मोटिवेशन लाइन है वो देखेंगे। मोटिवेशन लाइन क्या है आज की? सही राह पर चलना कठिन है, निरंतर अभ्यास से ही चल सकते हैं। क्या है? सही राह पर चलना कठिन है, इसे निरंतर अभ्यास के द्वारा ही चल सकते हैं। तो उम्मीद करें वीडियो पसंद है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर नए चैनल पर तो सब्सक्राइब भी करें बेल आइकन के साथ साथ, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।